आता है यार, तू भी पूरा चूतिया है भाई। हाँ बोल। बात पूछनी थी। तो पूछ ना। आपके पास ये दारू के पैसे कहाँ से आए? आप तो बचपन से ही फिर थे। मुझे पता था साले कमीने, तू हमेशा मुझे गरीबी समझता है। पर ना एक सीक्रेट राज है, सुनेगा? हाँ। अरे वो क्या है ना, मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरी बीवी ना सफाई कर रही थी, सफाई करते करते मेरी पुरानी किताबें जमीन पे गिर पड़ी। वो जाली सफाई करने की बजाय उन किताबों को पढ़ने लगी। मैंने देख के मेरी आँख खुले की खुली रह गई। अरे वो टीवी में न्यूज नहीं आई थी एलजीएम वाली? फिर मैंने सोचा ये बहन की लौड़ी पढ़ लिख कर एलजीएम बन के मुझे छोड़ के चली गई तो लत मार जाएगी। सही बोले, इसलिए साली की वो सारी किताबें मैं कबाड़ी वाले को बेच आया और उनसे ये लेके आया हूँ। जिंदगी में पहली बार आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ, वो तो मुझे पता था तो यही बोलेगा। चल चलते हैं हम। चली चला जा तू अपने मायके। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और सुन ले, सुन ले, पहले पूरा दहेज वापस करवा लूंगी, पूरी जायदाद आगे नाम करवा लूंगी। हां तेरे बाप ने बोल दिया ना, इतना आगे आगे पूरा डबल बेड तो पलंग दे वो जो अभी तक टूटा पड़ा है। तो साथ में तूने भी तो मेरे साथ तुलवा हुआ है पलंग है। आधे पैसा ले दिए वाला पलंग टूटे टूटा है। पूरी जिंदगी ढंडे करके रख दिया है। जैसे ही काफी खबर आ रही है एसडीएम न्यूज के बाद काफी पति पत्नियों में झगड़ा हो रहा है। जैसे कि हम आपको दिखाते हैं वहाँ पत्नी और पत्नियों में झगड़ा हुआ है, क्या उस मसले का जाके हल किया जा सकता है? आइए हम चलते हैं। तो देखा आपने यहाँ पति पत्नियों के विवाद के चक्कर में ऐसी पतियों का क्या हाल हो चुका है? क्या आप अपनी बीवी से परेशान हो चुके हैं? क्या आप अपनी बीवी से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप इन रोज रोज के लड़ाई दंगों से परेशान हो चुके हैं? बहुत। तो आपको लड़ाई झगड़े करने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए एक बेहतरीन स्कीम। आप अपनी बीवी को पढ़ने के लिए बाहर भेज दो और वो पढ़ लिख के अपने आप एसडीएम के किसी और के साथ चक्कर चला के भाग जाएगी। मुझे लगता है यहाँ पर किसी की गांड में मिर्च हो रही है। भाभी बहुत चिंता ले रही है, कहीं नहीं तो नहीं जा रहे हो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ना तेरी भाभी को दिल्ली यूनिवर्सिटी ले जा रहा हूँ एडमिशन कराने, पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाऊंगा। अरे भाई मत भेजो, तुमने वो एसडीएम वाली न्यूज ही सुनी है? वो अपने पति को छोड़ के किसी और मर्द के साथ चली गई। अबे तू पागल हो गया है? अरे मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तू पागल हो गया है? एक से थोड़ी हूँ मैं, तेरा मतलब क्या है? तो उसके चक्कर में अपनी बीवी को पढ़ाऊं लिखाऊं ना, तो एक काम कर साइड में आ, इधर आ साइड में, तू इधर आ, बता मेरी प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया मैं तो आपकी मदद कर रहा था, अगर भाभी जी पढ़ लिखकर एसडीएम बन गई तो वो किसी और मर्द के साथ चली गई, आपका क्या होगा फिर उसके बाद? अरे मैं भी तो ये चाह रहा हूँ, जीना हराम कर दिया है, ना खा पा रहा हूँ ना पी पा रहा हूँ, और तो और तो चैन से मर पा रहा हूँ। अगर ये किसी और के साथ चक्कर चला के भाग गए तो आराम से मैं अकेला रहूंगा चैन की जिंदगी। तो मिल गया उसने पंख। चल जल्दी चल सूत्री की कहने मुझे बर्बाद कर दो। घंटा बन गई, वहाँ जाके चक्कर तो दूर कोई मोड़ा तो बात तक न करती, चक्कर का खाद चला गई, पड़ गई मेरे गले। चल ससुरी जी ने मुझे बर्बाद कर दो, मेरी हालत कुत्ता सी बना दी, गाड़ी बिक गई, घर बिक गए, बर्तन बिक गए, फिर ससुरी गले से अटकी रही, कहने मुझे ऐसे छोड़ो नहीं है, अब क्या करें भैया, अब जा रहे हैं घर लौट के वापस, अब लाऊंगा दो भैंस, सुबह शाम गोबर डालेगी, आराम से मस्त जिंदगी निकलेगी जो ससुरी की वजह से। अब चल घर, फड़ुआ नहीं तो। मैंने तो पहले ही समझाया उन दोनों ने, पर जे मेरी माने तब ना।